सब्सक्राइब कीजिए या कैसे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कैसे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपके पास कोई भी स्मार्टफोन हो उसमें आप DSLR जैसा प्रोफेशनल ब्लर फोटो आप अपने मोबाइल में कैसे बना सकते हैं, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, चलिए आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप इस वीडियो को बारीकी से देखना, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। फिर यहाँ प्ले स्टोर पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ DSLR कैमरा, ये कर दिया। फिर देखिए ऐसा इंटरफेस ओपन हुआ, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। फिर देखिए ये है, यहाँ पे देखिए DSLR कैमरा ब्लर बैकग्राउंड, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। फिर देखिए ऐसा इंटरफेस ओपन हुआ, फिर देखिए यहाँ लिखा हुआ है DSLR कैमरा ब्लर बैकग्राउंड। इसके देखिए 4.2 की रेटिंग है और उसको 10+ मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। फिर आप इसको पहले डाउनलोड कर लीजिए, देखिए मैं पहले ही डाउनलोड कर लिया हूँ। फिर ओपन पर क्लिक करते हैं, फिर देखिए ऐसा इंटरफेस ओपन हुआ। फिर देखिए ये ऑप्शन है ब्लर, शेप ब्लर और यह है कॉलेज। तो हमें अपना बैकग्राउंड ब्लर करना है तो हम ब्लर पे क्लिक करते हैं। फिर देखिए ये पेज ओपन हुआ, फिर इसको यहाँ ओके पे क्लिक कर देते हैं। फिर देखिए इसमें ऑटोमेटिक एक फ़ोटो सिलेक्ट हो गई है कि आप इसमें ट्राई कर सकते हैं इसको कैसे आपको ब्लर करना है। फिर देखिए जो जो ऑप्शन आपको बता देता हूँ। फिर देखिए ऊपर ये है, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए चूज फ्रॉम गैलरी, तो आप यहाँ फ़ोटो गैलरी से ले सकते हैं, टेक फ़ोटो, आप अपनी इसमें फ़ोटो भी खींच सकते हैं या कैंसिल, इसको कैंसिल करके बाहर आ सकते हैं। साइड में ये है रिफ्रेश का ऑप्शन और ये है देखिए बैक का ऑप्शन, ये है जूम आउट जूम इन का ऑप्शन। फिर देखिए ये है हैंड ऑप्शन, हैंड पे क्लिक करेंगे तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये फ़ोटो को छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर देखिए साइड में है डाउनलोड का ऑप्शन, आपकी जब फ़ोटो बन जाए ब्लर हो जाए तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और नीचे देखिए है ब्रश साइज, इसमें आप ब्रश को छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर देखिए साइड में है ब्लरिंस, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। और फिर देखिए नीचे ये ऑप्शन है क्लियर, आप इसको क्लियर कर सकते हैं। और ये ब्लर ऑप्शन है और ये पैन। चलिए मैं आपको एक फ़ोटो ब्लर करके दिखाता हूँ, तो यहाँ प्लस पे क्लिक करते हैं और फिर चूज फ्रॉम गैलरी, एक फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले आप यहाँ फ़ोटो भी अपनी खींच के भी ब्लर कर सकते हैं इसी तरह, तो मैं गैलरी से फ़ोटो लेता हूँ। फिर यहाँ से एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये कर लिया। फिर देखिए ऑटोमेटिक फ़ोटो ब्लर हो गई है, आप इसको कम ज़्यादा जितना भी करना चाहें यहाँ देखिए ब्लरिंग्स पे कर सकते हैं। देखिए मैं इसको हटा दिया, कंटिन्यू कर देता हूँ, देखिए ब्लर हट गया है। आप जितना भी ब्लर करना चाहते हैं इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए मैं फुल कर देता हूँ, ये फुल ब्लर कर दिया। और फिर देखिए ब्रश साइज, इसको आप ब्रश साइज आप घटा बढ़ा लीजिए जो करना है। और यहाँ क्लियर पे रहने देते हैं, मैं ब्रश देखिए छोटा कर लेता हूँ, ये ब्रश छोटा कर लिया हूँ। फिर देखिए जो फ़ोटो सिलेक्ट किए हैं तो इस पर हम यहाँ क्लियर करते हैं, ये देखिए देखते रहिए आप बारीकी से करना, बहुत अच्छा सा प्रोफेशनल फ़ोटो बनेगा। बिल्कुल बारीकी से आप करते रहना। फिर देखिए मैं फ़ोटो को क्लियर कर दिया हूँ, अब जो देखिए जो साइड में क्लियर हो गया है बैकग्राउंड, इसको आप ब्लर कर सकते हैं। तो यहाँ फिर ब्लर पे क्लिक कर देते हैं, ये कर दिया। फिर आप ब्रश छोटा साइज बड़ा साइज जो करना चाहते हो वो कर लीजिए। फिर जो साइड में बैकग्राउंड ये क्लियर हो गया, इसको ब्लर कर दीजिए, इस तरह कर देते हैं। फिर देखिए जो साइड में क्लियर हो गया था मैं इसको फिर ब्लर कर दिया हूँ, देखिए कितना प्रोफेशनल फ़ोटो बन गया है। फिर देखिए जो साइड में ये पैन, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, आप इसको फ़ोटो को ऊपर नीचे जैसे भी एडजस्ट करना चाहें ये कर सकते हैं। फिर देखिए मेरा प्रोफेशनल फ़ोटो बन गया है, फिर यहाँ ऊपर डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। फिर देखिए आ गया कन्फर्म, यस कर देता हूँ। फिर देखिए ऐसा इंटरफेस ओपन हुआ, देखिए इमेज सेव्ड इन फोल्डर DSLR ब्लर, देखिए मेरी फ़ोटो सेव हो चुकी है। ये देखिए नीचे ऑप्शन है फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम, यहाँ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। फिर देखिए वीडियो डाउनलोड और सेव करने के बाद फिर बैक आते हैं, फिर देखिए ऑप्शन है शेप ब्लर, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ फ़ोटो लेके आपको दिखाता हूँ, फिर देखिए मैं फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया हूँ। फिर आप इसको शेप में ब्लर कर सकते हैं, कोई भी शेप ले सकते हैं, मैं आपको कोई एक शेप लेके दिखाता हूँ, ये देखिए शेप लिया। फिर आप इसको शेप इसी तरह शेप में ब्लर कर सकते हैं, कोई भी शेप आप ले सकते हैं, देखिए आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे भी शेप में आप ब्लर करना चाहें ब्लर कर सकते हैं,
फिर उसी तरह आप इसको भी सेव कर लीजिए, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे सेव हो जाएगा। चलिए मैं आपको बाहर आके ये फोटो दिखा देता हूँ कितना ब्लर हुआ कैसे हुआ है। फिर देखिए जो मैं अपना बैकग्राउंड ब्लर किया हूँ, देखिए कितना प्रोफेशनल दिख रहा है। आप इसको और बारीकी से कर सकते हैं और अच्छा लुक आएगा। दोस्तों इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आपको कोई और भी जानकारी जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट करिए, मैं उसको जरूर रिप्लाई दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।